नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम ब्रेकर में। आज जो हम लोग बात करने वाले रेलवे एलपी के बारे में बात करने वाले हैं, तो रेलवे और रेलवे जो एलपी का एग्जाम करवा रहा है उसमें जो रीजनिंग में आप लोगों को स्टेटमेंट एजम्पशन कंक्लूजन ये सब आप लोगों को बहुत मिल रहा है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोग को आज क्वेश्चन दूंगा, उसको आप लोग को सॉल्व करना है, उसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे उसका सही आंसर क्या है और उसको कैसे इजीली किया जा सकता है और कैसे उसको समझ के किया जा सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसको आराम से लाया जा सकता है, लेकिन छोटे छोटे माइनर मिस्टेक हैं और छोटे छोटे आप लोग का जो क्लू है उसको आप पकड़ नहीं पाते हैं। तो जो है ये स्टेटमेंट एजम्पशन के हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है, यू आर हियर बाई, एक आप लोग का क्या दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहले हम लोग उसको पढ़ते हैं। यू आर हियर बाई अपॉइंटेड एज अ प्रोग्रामर विद अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ वन ईयर एंड योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर कन्फर्मेशन ए लाइन इन एन अपॉइंटमेंट लेटर। ये क्या बोल रहा है, एक अपॉइंटमेंट लेटर जो हम लोग को मिलता है, मतलब जो भी हम लोग को, मान के चलो आप लोग एएलपी बन गए, उसके बाद आप लोग को एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उसके बाद आप लोग को बोला जाएगा कि आप लोग का जो है प्रोबेशन पीरियड में आप लोग का जो परफॉर्मेंस है उसको चेक किया जाएगा, उसके हिसाब से आप लोग को मार्क्स दिया जाएगा आप लोग का जो भी रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या हो गया, आप लोग का स्टेटमेंट हो गया। तो एजम्पशन क्या हो सकता है, एजम्पशन आपको खुद सोचना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या है, ऑप्शंस पे देखना है क्या वही आप लोग जो एजम्पशन सोचे थे वैसे ही एजम्पशन है कि नहीं, और अगर नहीं सोच पा रहे तो डायरेक्ट एजम्पशन में आ जाइए और फिर एजम्पशन में देखते हैं हम लोग क्या एजम्पशन में दिया हुआ है। तो एजम्पशन में जो आप लोग का दिया हुआ है, द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर। सही बात है ना, मतलब अपॉइंटमेंट आप लोग को दे रहे हैं, मान के चलिए आप लोग को पहली बार बुला रहे हैं, तो आप लोग का परफॉर्मेंस थोड़ा ना पता चल जाएगा, आप कपड़ा अच्छा पहन लिया, आप अपना जूता अच्छा पहन लिया, सब कुछ बढ़िया है, तो आप लोग को ये थोड़ा ना हो सकता है कि परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया हो, पता चला आप लोग ज्वाइन करने के बाद फिर तुरंत आप लोग छुट्टी लेना चले गए, चालू कर दिया, आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक है, आप लोग काम में कम ध्यान और उसके बाद बाहर आप लोग का ज़्यादा ध्यान जा रहा है, तो इससे आप लोग का जो परफॉर्मेंस है वो दिखता है आप लोग का प्रोबेशन पीरियड में। तो ये आप लोग का परफेक्टली राइट है कि परफॉर्मेंस ऑफ द एन इंडिविजुअल जनरली इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर, एकदम ये सही एजम्पशन है, तभी ये एजम्पशन है, तभी तो उन लोग ने ये अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है कि आप लोग का प्रोबेशन पीरियड में आप लोग को रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद अगला क्या है आप लोग का एजम्पशन, जनरली एन इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूव हिज वर्थ इन प्रोबेशन पीरियड, मतलब सही है ना, प्रोबेशन पीरियड में वो जितना अच्छा काम करेगा उसका उतना अच्छा जो इमेज है वो कंपनी के साथ बनेगा, इसलिए ये भी सही है आप लोग का, मतलब अगर ये अपॉइंटमेंट अगर ये लिख दिए तो ये एजम्पशन कर रहे हैं कि बंदा जो है ये सोचे हैं कि हाँ जो उसका प्रोबेशन पीरियड में है वो अच्छा परफॉर्म करें, तो ये दोनों जो है आप लोग का एजम्पशन सही है। तो आप लोग का क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग का बोथ वन एंड टू इम्प्लिसिट, आप लोग के जो ऑप्शंस होते हैं आप लोग का क्या रहेगा, आप लोग का एक सही है या फिर दो सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है या फिर दोनों में से एक सही है, तो इसमें आके आप लोग का दोनों सही है। पहला आप लोग का ये भी सही है कि आप लोग को जो है अपॉइंटमेंट ऑफर में ये पता नहीं रहता है कि हम लोग को आप लोग का क्या परफॉर्मेंस है, उसके बाद आप लोग का ये भी सही है कि आप लोग का जो प्रोबेशन पीरियड में है आप लोग बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप लोग का इमेज सही बने, ये आप लोग का हो गया एजम्पशन, दोनों सही। अगला क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, इट इज़ डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट एज ऑफ 5 और सो, 5 की एज के बाद ही आप लोग का जो है स्कूल में चिल्ड्रन को डालना चाहिए, ये आप लोग का स्टेटमेंट है। तो इसका एजम्पशन क्या हो सकता है, चेक करते हैं हम लोग, एट द एज ऑफ चाइल्ड रिचेस दिस, जो हम लोग का ये एज में जो बच्चा है पहुंच जाता है तो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज़ रेडी टू लर्न, मतलब इस एज में पहुंचने के बाद जो है वो बच्चा जो है सीखने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब एजम्पशन यही रहा होगा, इसलिए ये वाला बोले कि 5 साल के बाद ही हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, मतलब एजम्पशन यही रहा होगा कि 5 साल के बाद जो है वो सीखने के लिए तैयार है, सही है ये एकदम बढ़िया है। द स्कूल्स डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 ईयर्स, क्या यहाँ पे कुछ बोला है कि जो एडमिट नहीं करेंगे 6 ईयर्स के बाद, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, तो ये तो पूरी तरह गलत है, मतलब सिर्फ वन सही है, जब वन एकदम सही है जो कि ये बोल रहा है कि 5 साल के बाद जो है वो सीखने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद अगला आप लोग का स्टेटमेंट जो है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंचुअलिटी इन आवर ऑफिस वी मस्ट प्रोवाइड कन्वेंस अलाउंस टू अवर एम्प्लॉइज इन चार्ज ऑफ कंपनी टेल्स पर्सनल मैनेजर, मतलब यही बोल रहे हैं पंचुअलिटी जो डिसिप्लिन जो है आप लोग का जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छा करने के लिए अलाउंस आप लोग को देना चाहिए, जैसे मान के चलिए कहीं भी आप लोग काम कर रहे हैं, आप मान के चलिए आप लोग एएलपी बन गए, ट्रेन चला रहे हैं, आपको अगर अलाउंस मिलेगा एक्स्ट्रा मिलेगा तो आप काम करेंगे कि नहीं करेंगे, आप ओटी आपको अच्छा मिल रहा है, मान के चलिए आप लोग को एक एक घंटे का 600-500 रुपये मिल रहे हैं तो आप लोग एक्स्ट्रा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, वही आपको फ्री में बोल देंगे कि आप अरे भाई मतलब फ्री में काम करो, कोई अलाउंस नहीं मिलेगा, 10-10 घंटा आप लोग एक्स्ट्रा काम करो, तो कोई करेगा क्या, नहीं करेगा ना, अलाउंस देने से क्या पंचुअलिटी डिसिप्लिन और ये बढ़ता है, ये आप लोग का स्टेटमेंट है। अब हम लोग देखते हैं एजम्पशन कौन सा इसका
सही है। पहला अजम्पशन बोलता है कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंचुअलिटी। अगर ये अजम्पशन होता तो ये बोलता ही नहीं ना मैनेजर को, ये तो गलत है। कन्वेंस अलाउंस तो आप लोग का जो पंचुअलिटी ब्रिंग कर रहे हैं तो पहले तो पूरी तरह गलत है। उसके बाद दूसरा बोलता है डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड ऑलवेज बी गो इन हैंड एंड, है ना। तो यही बात है, जो रिवॉर्ड हम लोग देंगे तो डिसिप्लिन बने रहेगा। तो ये तो एकदम सही है, मतलब सेकंड अजम्पशन एकदम करेक्ट है। तो सेकंड अजम्पशन इज इम्प्लिसिट, मतलब सेकंड अजम्पशन जो है वो एकदम सही है। अगला आप लोग को पूछ रहा, आप लोग को बोल रहा है स्टेटमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी गिवन टू ऑल एंड अनएम्प्लॉयड इंडियन यूथ अबाउ 18 ईयर्स ऑफ द एज। मतलब बात सही है ना भाई, बहुत सारे बेरोजगार हैं इंडिया में। तो ये जो स्टेटमेंट बना है कि अनएम्प्लॉयमेंट लोग जो है उन लोग पास पैसा खर्च करने के लिए मिल नहीं रहा, तो उनको जो मिलना चाहिए कुछ ना कुछ खर्च अपना, जो डेली डेली चार्जेस है, जो डेली उनका दिनचर्या चल रहा है उसका जो खर्चा है वो निकलने के लिए उनको पैसा मिलना चाहिए। अब जो इसमें एजम्पशन देखते हैं, देर आर अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड्स मॉनिटरी सपोर्ट। वेरी गुड है, ये तो एकदम सही है यार। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है तभी तो ये निकाला कि उनको मिलना चाहिए, ये स्टेटमेंट आया है ना। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है इसलिए तो ये निकला है और उनको ज़रूरत है, तो ये पहला एकदम सही है। दूसरा गवर्नमेंट हैज सफिशियंट फंड्स टू प्रोवाइड अलाउंस टू ऑल एन अनएम्प्लॉयड यूथ। ये आप लोगों का बिल्कुल गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा है या नहीं है ये कहीं पे नहीं बताया है। ये आप लोगों का कहीं नहीं बताया स्टेटमेंट में कि गवर्नमेंट के पास पैसा है कि नहीं, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो पहला एकदम सही हो जाएगा। अगला आप लोगों का बोलता है इफ़ यू ट्रबल मी आई विल स्लैप यू, ए मदर वॉन्ट्स हर चाइल्ड। मतलब जो मंदी जो मदर है वो अपने बच्चे को बोल रही है कि ज़्यादा मेरे को परेशान करोगे तो एक खींच के तमाचा दे दूंगी, है ना। बात ये है, तो इससे क्या होगा, ये इसलिए ऐसे बोली होगी कि बच्चा डर जाए, है ना। बच्चा डर जाए ऑब्वियसली बात है, इसको एग्जम्पशन रहा होगा बच्चा डर जाए। तो अब देखते हैं हम लोग एग्जम्पशन में क्या दिया हुआ है। विद द वार्निंग द चाइल्ड मे स्टॉप ट्रबलिंग हर, एकदम सही है यार, यही हम लोग सोचे थे और यही हो गया। उसके बाद ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी, ये ऑल जो होता है ना, ऑल वर्ड आप लोग का एग्जम्पशन में होता ही नहीं है, ऑल वर्ड एकदम गलत हो जाता है। तो जहाँ पर आपको ऑल दिखा तो ये तो गलत ही हो गया, तो पहले आप लोग का सही हो जाता है। तो ये आप लोग के 5 क्वेश्चन हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे के सारे वीडियोस आप लोग के होम पेज में आने आ जाएंगे तुरंत के तुरंत। तो जो भी आप लोग का मैं अभी कोर्स ऑफ एक्शन का वीडियो बनेगा, उसके जो भी वीडियो बनते हैं आप लोग के जो है मेन होम पेज में आप लोग के आ जाएंगे। उसके लिए आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब बटन दबा देना है, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और देखने के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स।